मैं इस वीडियो में चार ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो इमरजेंसी में आपका बहुत सारा काम देगा और बहुत सारा टाइम में आपको बहुत मुसीबत से बचा लेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन में, आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रिक क्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते दोस्तों हैं। ये मोबाइल का ट्रिक जो है जो आपको कोई नहीं बताएगा और ये इमरजेंसी में बहुत सारा काम आने वाला है। जो आप इमरजेंसी में कहीं फंस जाते हैं, आपका मोबाइल प्रॉब्लम हो जाता है, मैं पांच ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका कभी भी ये प्रॉब्लम हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। पहला है दोस्तों, अगर बाई चांस आपका मोबाइल अगर कॉल करते हैं तो कॉल करने के दौरान आपका अगले के पास में, जैसे आपका माइक ख़राब हो गया, तो जैसे एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसको कैसे आप बात कर सकते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर बाई चांस आप किसी को डायल किए नंबर, और मैं ये कस्टमर केयर का नंबर लगा रहा हूँ, आप जिसका भी नंबर लगाइएगा, अगले के पास आवाज़ नहीं जा रहा है तो ये रिसीव कॉल में बात हो रहा है, रिसीव कर लेगा। तो अगर कॉल में आवाज़ नहीं जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसको स्पीकर का जब ऑन करिएगा कि तो स्पीकर ऑन कीजिएगा, स्पीकर ऑन कीजिएगा तो आपको स्पीकर में माइक आपका उस उधर आवाज़ जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि रिसीवर में इस माइक से बात होता है, हर फोन में दो माइक होता है, नीचे वाला से रिसीवर में बात होता है और ऊपर वाला जो लाउड में आप करते हैं तो उससे बात होने लगता है। जब भी आपका ऐसा प्रॉब्लम आए तो लाउड स्पीकर कर लीजिएगा तो अगला का सुनाई देने लगेगा, और इससे क्या होगा, आप इमरजेंसी में बात कर पाएंगे। दोस्तों और एक प्रॉब्लम जो आता है इंसान को, ये ऊपर वाला स्पीकर, एयर स्पीकर में आपको अगर बाय चांस कम आवाज़ आता है या आवाज़ दब गया है तो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा खाली बस ये एक ब्रश ले लेना है घर से, और सबके घर में ये ब्रश मिल जाता है। ये ब्रश लेके ये जो देख रहे हैं ये छोटा छोटा छेदा जैसा बना हुआ है वहीं पर हल्का हल्का घसना है, मतलब ज़्यादा गराना भी नहीं, कोई चीज़ से भोंकना भी नहीं है। घसीएगा थोड़ा सा तो देखिएगा आपका आवाज़ क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जाली दिया रहता है उसमें क्या है, गंदा उंदा बैठ जाने से वो जाली तो जाम हो जाता है, इसलिए आवाज़ ने बाहर नहीं आ पाता है। तो बस ब्रश ऐसा होना चाहिए कि ताकि उसका नोक हो, ताकि उस जाली में, पतला पतला जाली में छेदा रहता है उसको, उसमें जा सके, ठीक है। और तीसरा ट्रिक क्या है कि जैसे आपका ये जिसमें आप गाना वगैरह सुनते हैं जो जिसमें आवाज़ फटाफटा आ रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें भी ये ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश को लेके दोस्तों मेरे हाथ में एक मोबाइल है, एक मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसको इस तरह इसमें डाल के घसना है, और घसने से आपको देखिएगा आवाज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और तीसरा ट्रिक है जो सबसे बेस्ट है, किसी का भी बाय चांस अगर आप गैलरी में फ़ोटो रखे हैं धरिए, और यहाँ से ये डिलीट हो जाता है तो आपको कहाँ मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। इसको बैक चला जाना है और सेटिंग में जाके और स्टोरेज में जाना है। सबका मोबाइल में स्टोरेज हो रहता है, स्टोरेज में जाके बैटरी एंड डिवाइस केयर इसमें मारिएगा। तो यहाँ देखिए स्टोरेज है, इस स्टोरेज में क्लिक करने से ये देखिए इसमें ग्लोरी लिख के आ रहा है। ये आप सब में दूसरा कुछ भी लिख के आ सकता है, क्रैक या फिर रिसाइकल बिन ऐसा कुछ लिखा है। तो जो फ़ोटो आप गैलरी से डिलीट किए या वीडियो डिलीट किए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आराम से आपको मिल जाएगा फ़ोटो वीडियो जो भी डिलीट किए हैं। अब यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये सब जानकारी हर कोई आपको नहीं देगा, खास करके आपका ये जानकारी इमरजेंसी के लिए है। आप इमरजेंसी में कहीं फंस जाते हैं तो आपको काम आएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।